quotations from all the religions, including Quran, Bible, Swaminarayan, Jainism, Buddhism. This Dada Bhagwan, read, I also read the books, but I cannot still understand why there are so many differences in our belief and all our religions are separating, when the principle is the one that God is within us and we can see. Can you explain us how you can realize the God? Have you ever realized the God? And how? Because I would like to put it on the paper and give it in the thesis. Thank you. ऐसा है कि जो ओरिजिनल मूल पर्सन है ना, ओरिजिनल पर्सन जिसको सब आज भगवान कहते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, ये सबको कहते हैं ना, उन्होंने किसी ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया है, कोई वाड़ा संप्रदाय भी नहीं स्थापित किया है, कोई धर्म नहीं दिया है, कोई मंत्र नहीं दिया है, कोई रिचुअल भी नहीं दी किसी ने. आप उनकी असल स्टोरी उनका पढ़ो तो कहीं उन्होंने कुछ नहीं बताया ऐसा. फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्ण भगवान का देखिए तो उनके थ्रू आउट लाइफ में उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं बताया है कि मैं भगवान हूँ और मेरा ये संप्रदाय और ये मेरा मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ये करो, ये जाप करो, ये उपास करो, ये ऐसा करो, कुछ नहीं. और अर्जुन को बताया है, सिर्फ ज्ञान दिया है और किसी के पास कुछ बोले नहीं है उन्होंने अध्यात्म के बारे में. अकेले अर्जुन को बताया, वो भी कहा कि जितना गुहे में गुहे ज्ञान है मैं तुझे अकेले को बताता हूँ. और वो ही सिर्फ आत्मा का ही है कि आत्मा को पहचानो और इस जन्म मन और मृत्यु के चक्कर में से छूटो और मोक्ष को प्राप्त करो, यही बात बताया और कुछ नहीं बताया. रामचंद्र जी के बारे में देखो तो रामचंद्र जी ने भी कभी किसी को कोई उपदेश नहीं दिया है, कोई धर्म की बात नहीं की, हरे राम 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 मंत्र बोल, कुछ नहीं, नेवर, इज नेवर अटर्ड. ऑफ कोर्स इज लाइफ इज नथिंग बट रिलीजन. उन्होंने ऐसा जीवन जी के बताया कि ताकि वो जीवन ही लोगों को आदर्श बना दे, रास्ता बताएं. लेकिन उनके जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उन्होंने रामचंद्र जी को जो ज्ञान दिया योग वशिष्ठ ग्रंथ में, उसका बयान है. वो ग्रंथ में मिक्सचर है, तत्व ज्ञान की बातें हैं और थोड़ी सी स्टोरी वगैरह मिक्सचर हो गया है. लेकिन ओरिजिनल बात में देखो तो ओरिजिनल तत्व ज्ञान की बात अगर आप डीप से पढ़ो उसमें से सेपरेट करके, तो वहाँ भी उन्होंने यही स्पष्ट कहा है कि हे राम, आप राजा राम नहीं हैं, दशरथ के पुत्र नहीं है, भरत के भाई नहीं है, आप आत्मा हो, परमात्मा हो, आप ही ब्रह्म हो, आप ही पर ब्रह्म हो, आप ही सर्वस्व हो, अल्टीमेट थिंग इज दैट, नथिंग इज बियॉन्ड दैट, यू आर दैट. उन्होंने आत्मा को रियल बताया. तो उसके बदले लोगों ने क्या ले लिया कि रामचंद्र जी पर ब्रह्म है, अल्टीमेट है. उन्होंने बॉडी को नहीं बताया, बॉडी के लिए कुछ नहीं कहा है उनको, उन्होंने आत्मा के लिए बताया है. भाई नहीं हो, पुत्र नहीं हो, राजा नहीं हो, ये सब तो बॉडी था रोल, और इससे पर आत्मा है, परमात्मा, ये बात कही है. तो ये अंदर की बात जब तक ग्रास नहीं होती तब तक वहाँ के वहाँ ही रहते, कॉन्ट्राडिक्शन. घड़ी में राम ने ऐसा किया, राम ने वैसा किया, दूसरी बार के राम तो परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो गए, तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं आप? सिर्फ उसके लाइफ की बात है, तो उसके अंदर की आत्मा की बात, अचीवमेंट की बात तो कुछ आती ही नहीं है. सेम थिंग विथ कृष्ण भगवान. कृष्ण भगवान की सब बातें करते हैं, उन्होंने ऐसा किया, ये किया, बाहर लीला की, ऐसा गोपियों से खेले, ये सब किया,
लेकिन और गीता के भी बात पढ़ करते हैं कि कृष्ण भगवान ने ऐसा बोध दिया ना ऐसा बात दिया ना अर्जुन को यूं कहा, लेकिन क्या दिया, व्हाट अर्जुन हैज़ अचीव्ड, व्हाट इज दैट अचीवमेंट, वो अचीवमेंट जब तक आपके पास नहीं आती तब तक सब हवा में है, एवरीथिंग इज इन एयर। यह अंदर की बात ज्ञानी लोग को पता चलता है, जिसको ये रियलाइज होता है उसको ज्ञानी कहते हैं, वो भगवान वाले को नहीं। द थिंग विच इनर थिंग विच लॉर्ड कृष्ण रमावीर राम ऑल ऑफ देम हैव अचीव्ड, वो जिसने अचीव किया है उसको सच्चे ज्ञानी कहा जाता है, आत्मा का ज्ञानी। बाकी तो सब संत है, भक्तो है, योगी है, महाराज है, साधु है, पुजारी है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञानी नहीं कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट कहा कि अर्जुन मेरे में और ज्ञानी में तो फर्क मत समझ, ज्ञानी यही मेरा आत्मा है, ज्ञानी मुझे प्रिय में प्रिय है, अपनी समकक्षा में बता दिया है, समझ में आया ना। और वह उसकी पहचान तब हमें जब अचीव करा हो सके उनके पास से तो ही दैट इज़ द अल्टीमेट पहचान है, बाकी तो सब शब्द में। उनके पास लाख है लेकिन हमको हमारे पल्ले में कुछ नहीं आया तो क्या फ़ायदा, समझ में आया ना। तो ये सच्चे ज्ञानी के पीछे पड़ने से हमारे के हमको भी कुछ अच्छी होता है, और वही सच्चे ज्ञानी की निशानी है, समझ में आया ना। तो आप जो बता रहे हैं संप्रदाय में आत्मा रहता ही नहीं है, कोई भगवान ने कोई संप्रदाय नहीं स्थापित किया है, पीछे वालों ने किया है, समझ में आया। हजारों वर्षों के बाद ये सब बाकी के आज के जो संप्रदाय आपको दिखते हैं वो तो उनके होने के बाद हजारों साल के बाद आए हैं, और वो तो स्पष्ट कहते हैं ना हमारा ये संप्रदाय, हमारा ये संप्रदाय, हमारा ये संप्रदाय, दिस से देम सेल्फ ही बताते हैं हमारा ये संप्रदाय। और जिसे आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन की चाहना है उसने तो वहाँ से ही समझ लेना चाहिए कि जहाँ संप्रदाय है वहाँ आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा कोई सीमित नहीं हो सकता है किसी संप्रदाय में। सबसे पर की बात है, इस बॉडी से भी पर जाने की बात है तो फिर संप्रदाय से पर की क्या बात नहीं हो सकती। श्री राम कृष्ण महावीर ये सब देश से भी पर थे तो संप्रदाय से उसमें कहाँ से रह सकेंगे, और हमको इस सब में से बाहर निकालते हैं तो सच्चे ज्ञानी कहते हैं। इसमें जो डालते हैं फिर संप्रदाय के बंधन में, इसके बंधन में, उसके बंधन में, नीति नियम में, ये करो ये ना करो, ये सब वहाँ ज्ञानी के पास नहीं होता है। करो मी करो सी करो ती उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है, कर्ता पद ही नहीं है, और संप्रदाय में अंत तक करने का है। अशुभ को छोड़ो और शुभ को प्राप्त करो, शुभ को छोड़ो और शुभ को प्राप्त करो, पाप में से निकल जाओ और पुण्य में आ जाओ, वो सब संप्रदाय बताते हैं, सब धर्म बताते हैं। लेकिन अध्यात्म जो सच्चे ज्ञानी लोग रहते हैं वो आपको अध्यात्म में ले जाते हैं, और पाप पुण्य से पर, शुभ अशुभ से पर, शुद्ध तत्व आत्म तत्व में ले जाते हैं। तो आप जो सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं वो भी आप कौन से लेवल का सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो सोचने की बात है। इट्स नॉट इन वर्ड, वर्ड तो बोलते हैं लेकिन वो इन्होंने अचीव किया है वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात कहते हैं कि सब संप्रदाय वाले बोलते हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है। और वहाँ अगर रियल सेल्फ रियलाइजेशन की बात है तो वहाँ कोई संप्रदाय नहीं, किसी में डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं है, उससे सबसे बियॉन्ड है वो। और वो ज्ञानी जो कभी होते हैं इट्स नॉट इजी, कभी कभी ऐसे ज्ञानी होते हैं तो वो ये बता सकते हैं, उनको हो सकता है वहाँ नहीं क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष नहीं होता है, वहाँ टेंशन वरी चिंता पैसे का व्यवहार नहीं होता है, लेन देन का व्यवहार नहीं, शिष्य नहीं, पैसा नहीं, विषय ये कोई चीज़ नहीं रहती है वहाँ पर, इन सबसे पर है। जिस हालत में ज्ञान होता है वही हालत में रहते हैं, नो चेंज, पूरा करते जो भी जीवन रहता है उसका सब लाइफ पूरा करने का रहता है, नया नहीं करने का रहता है,
इसे ज्ञानी कहते हैं। और वहाँ आपको ज़्यादा छोड़ने का टाइम बिगाड़ने का भी नहीं रहता है, सब प्योर अंडरस्टैंडिंग, नो रिचुअल्स। शुभ में अशुभ में से शुभ में जाने के लिए सब रिचुअल्स करना पड़ता है। यू हैव टू कीप योर कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता करने के लिए जप तप ध्यान ये मंत्र उपास वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। और बराबर है, जब तक आप इसमें हैं तब तक, लेकिन जब आप रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सबसे अलग बात है, पर की बात है। और दादाजी ने वो अचीव किया था, और इट हैपन्ड। कोई क्रिया करने से मिलता नहीं है, क्योंकि आत्मा कोई ये बड़ी कोई क्रिया उसमें आती ही नहीं है। इस अल्टीमेट थिंग है, वो सूक्ष्मतम है, सटलेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स। और बाकी जो सब क्रिया करते हो तो कितनी स्थूल है, स्थूल क्रिया से अक्रिय ऐसा आत्मा किस तरह से अचीव हो सकेगा? आप समझ में आते हैं आपको बात? करने के लिए क्या करना चाहिए वो हमारा एक वही बात में जो ईश्वर दर्शन के लिए जो करने की बात आई है ना, करना मीन्स करता होना, और आत्मा अकर्ता है। आप आत्मदर्शन की बात करते, ईश्वर दर्शन की बात करते, भगवान की बात करते, गॉड की बात करते हैं, ये आप कुछ अलग अलग समझते हैं कि एक दे आर ऑल द वन, बट ओनली वन थिंग वी वांट टू नो। ओके, देन इट्स ऑल राइट, आई ऑल्सो से दैट इज द वन। क्योंकि वर्ड्स अलग अलग आते हैं तो शायद कन्फ्यूजन किसी को हो जाए, देन इट्स वेरी यू आर क्लियर अबाउट इट। सो उसका ये वर्ल्डली कोई क्रिया करने का तो उसका है ही नहीं फंक्शन, इट्स बियॉन्ड दैट। तो कौन सी क्रिया करके आप अक्रिय चीज को प्राप्त कर सकोगे? क्रिया सब स्थूल है और वो सूक्ष्मतम चीज है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आप देखो, तप करोगे, जप करोगे, ध्यान करोगे, योग करोगे, उपवास करोगे, आत्मा खाता ही नहीं तो क्या भूखा रहने की जरूरत है? हाँ, आपके बॉडी के लिए इज़ फाइन, दैट आई एग्री, जो भी कुछ करोगे दैट्स फाइन। बट ये आत्मा की बात और ये दोनों का कोरिलेशन कहाँ से होगा, कैसे कोऑर्डिनेट होगा? जो भी कुछ हम करें, जो भी कुछ हम सोचे, देयर शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शन, शुड बी विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन। सिद्धांतिक होना चाहिए, प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। बाकी आप कितना भी पढ़ो लिखो, अलग अलग शास्त्र, अलग अलग धर्म के अलग अलग बातें, यू विल गेट मोर कन्फ्यूजन। क्योंकि सबने देखो, राम के भक्त ने राम की बातें बताई, कृष्ण के भक्त ने कृष्ण की बातें बताई, उनको लेकर उन्होंने संप्रदाय बताया, क्रियाएं बताई हैं, साधना वाधना के सब रीत रिचुअल्स बताया है, हर एक भगवान को लेकर अपने यहाँ अलग अलग धर्म हुए हैं। लेकिन आई डोंट वांट कि पीछे वाले ने जो बताया आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, क्या अचीव किया, और अर्जुन को क्या अचीव करवाया, रामचंद्र जी ने क्या अचीव किया, महावीर ने क्या अचीव किया, और उनके डिसिपल्स को क्या अचीव करवाया। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट इफ आई वॉन्ट टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। तो आप जिस तरह से जाओगे अचीव करने को, यू वॉन्ट एबल टू अचीव दैट वे, उसकी लिमिटेशन है। और अचीवमेंट के लिए सिंपल थिंग है, वन हु हैज रियलाइज्ड कैन मेक यू रियलाइजेशन। सिलगा हुआ दिया आपको, आपके दिए को सिलगा सकता है। एनलाइटन्ड सोल कैन मेक यू एनलाइटनमेंट, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप खुद करने जाओगे, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पूछे बगैर, किसी के पास डिरेक्शन लिए बगैर, गाइडेंस के बगैर, आप स्वयं खुद ब खुद यहाँ से तो न्यूयॉर्क जाना चाहोगे तो क्या आप किस तरह से पहुँच सकते, कितने भटक जाओगे कार से बाय रोड?
हाँ, अगर कोई आपको गाइड मिल गया, चलो मैं आपको बताता हूँ या ले जाता हूँ, देन इट्स बिकम सो इजी फॉर यू. यही तरह अपने इसमें, इवन आप अगर स्कूल में भी जाते हो तो आप खुद ब स्कूल में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या आप स्वयं को 1 2 3 घर में बैठ के नहीं सीख लेते थे? 1 2 3 4 ABCD क्या नहीं सीख सकते थे? आपके पिताजी बहुत पढ़े हुए हैं, PhD है, तो भी आपको क्यों स्कूल में बाहर भेजना पड़ता है 1 2 3 सिखाने के लिए? तो क्योंकि आपके फादर को कितना भी आता है, लेकिन आपको सिखाने की टेक्निक उसके पास नहीं है. और जो इसका मास्टर है, टीचर है, ही हैज गॉट टेक्निक, एक्सपर्ट है वो, तो विद हाफ एन आवर आपको 1 2 3 सिखा देगा. तो इसीलिए अचीव करने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत है, वन हु इज़ एक्सपर्ट, वन हु नोज द मेथड ऑफ टीचिंग. इसी तरह से यहाँ पर भी सेल्फ रिलेशन, आत्मज्ञान के लिए जो आत्मज्ञानी है, जिसने अपना खुद का अनुभव किया हुआ है, वो आपको अनुभव करा सकता है. आप कहेंगे मैं मैप देखकर चले जाऊँगा न्यूयॉर्क, डायरेक्शन देख के, लेकिन जहाँ तक सीधा सीधा है ठीक है, लेकिन कहीं आप अगर एक आधी रॉन्ग एग्जिट ले लिया आपने, या कहीं मिस हो गया, तो फिर आपको मैप नहीं हेल्प करेगा. फिर आपको किसी गैस स्टेशन पे जाके या किसी को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा. यू नीड समवन्स हेल्प, गाइडेंस. जो आपको गाइड करता है उसको गाइड मीन्स गुरु, तो उसको पूछना पड़ता है. वो आपको जब गाइड करता है, दैट मीन्स फिर आप वो रास्ते से, मार्गदर्शन से जा सकते हो. और आप भी देखो, आप खुद अगर किसी को गाइड करते हो, सपोज आपके घर पर कोई आना चाहता है, आप उसको डायरेक्शन देते हो, लेकिन वो कहीं वो भूला के पड़ गया और मिस हो गया उसको, तो आपको फ़ोन करता है रास्ते पे से कि मैं तो कहाँ, मुझे तो नहीं मिल रहा है. तो फिर आप उसको पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे? व्हाट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन? वेयर आर यू? साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, कहाँ हो? दैट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. वो जो बताएगा कि मैं यहाँ हूँ, साउथ में हूँ, तो ही आप उसको गाइड करके आपके घर तक ला सकोगे. नॉर्थ में हो तो अलग डायरेक्शन है, साउथ में तो अलग डायरेक्शन है, वेस्ट में इसमें अलग अलग डायरेक्शन है. सी, ये आपको मैप नहीं बता सकेगी, मैप नहीं पूछ सकेगा कि वेयर आर यू. समझ में आया ना? तो यहाँ ये तो बहुत स्थूल बात है, ये दैट इसको तो आप पहुँच सकोगे, कैसे भी करके निकालोगे, लेकिन ये आत्म सेल्फ रिलेशन के बारे में इट्स वेरी डिफिकल्ट. इतने सूक्ष्म सब चीज़ें हैं, आपके अंदर ही है, लेकिन आप तो बाहर से ढूंढ ढूंढ करोगे. यू विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम आवर एक्सटर्नल थिंग्स. अभी इन फैक्ट इट इज़ इनसाइड. सो हाउ कैन यू रीच देयर? किस तरह से आप वहाँ पहुँच सकोगे? इसीलिए यहाँ एक्सपर्ट गाइड की ज़रूरत है, जो वहाँ पहुँचा है उसकी ज़रूरत है. वो आपको पहचान सकेगा कि आप कहाँ है, आप कहाँ अटक गए हो. समझ में आया? या आप कितना भी थीसिस लिखो, कितना भी कुछ करो, वहाँ कोई पूछ नहीं सकेगा. दिस विल बी ओनली इन वर्ड्स. शब्द ज्ञान होगा, अनुभव ज्ञान नहीं आएगा. ठीक है, आपको डिग्री मिल जाएगी PhD की, लेकिन उससे रियलाइजेशन नहीं होता है. वो तो बहुत सूक्ष्म है, इट कैन नॉट कम ऑन पेपर. आत्मा को पेपर पे नहीं ला सकते हो, शब्द में भी नहीं ला सकते. हम भी आपके साथ जो बात करते हैं, इट द वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन वर्ड्स के पीछे हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम जो बताते हैं, वो एक्सपीरियंस आपको टच करता है. एक्सपीरियंस बगैर की बात हम करेंगे तो आपको इतनी टच नहीं करेगी.
और एक्सपीरियंस वाली बात आपको टच करेगी और आपको अंदर, आपका अंदर से स्वीकार होगा, एक्सेप्ट होगा कि करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, करेक्ट. जितना आपको एक्सेप्ट हुआ उतना आपको अंदर परिणाम में आएगा. इट विल वर्क इनसाइड. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सपीरियंस पर्सन इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस. दादा भगवान वॉज रियली एक्सपीरियंस पर्सन. जो हम बता रहे हैं ना जिस लेवल की बात, रामकृष्ण महावीर जिस अचीवमेंट में थे वो अचीवमेंट ही हैड. दैट इज़ वेरी वंडरफुल. एनली थिंग ही वॉज नॉट, बहुत पब्लिक में नहीं आए, जैसे कि आजकल के संत लोग वगैरह संप्रदाय के लोग बहुत पब्लिक में आते हैं, लेकिन ही वॉज 10 साल तक तो किसी को पता ही नहीं चला था कि क्या है कौन है. व्हेन आई मेट हिम आफ्टर 10 ईयर्स ही आफ्टर हिज रियलाइजेशन. और इनको पड़ी नहीं, उनकी वाइफ को भी पता नहीं था कि इनको ऐसा ज्ञान हो गया है आत्मा का. अब पड़ोस पड़ोस में भी किसी को मालूम नहीं था. नोबडी वाज नोइंग. और वो हिमसे खुद तो बोलते ही नहीं थे, और बोले तो कौन मानेगा, पागल कहेंगे, क्योंकि ही हैड ऑल ऑफ अ सडन. और वैसा उनको बोलना, बोलते भी नहीं, बोलने की जरूरत भी नहीं. ठीक है, वो तो सहज अब स्वभाव में रहते, सहज कोई आता है और सब पाता है, पा लेता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं. तो उनको तो सब सरीखा ही है.